वेलकम्स टू खान किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज हम अपने किचन में बनाएंगे कटहल कोरमा, जो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। आजकल सीजनल है कटहल हमारा, तो आइए शुरू करते हैं कटहल कोरमा बनाना, जो बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से बन जाता है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं अपना ये कटहल कोरमा। देखिए कटहल कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है हाफ के जी कटहल, जिसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। और उसके अलावा हमने 4 से 5 बड़े प्याज लिए हैं और इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। टमाटर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है। उसके अलावा हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमें 1 बड़ा चम्मच लेना है। और कुछ सूखे मसाले हमें लेने हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने हींग ली है, 2 सूखी मिर्चें ली हैं हमने, यहाँ जीरा, लौंग लिया हमने। उसके अलावा हमने लिखा है धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हमने लिया है जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और गरम मसाला हमने लिया है 1/2 चम्मच। और अब हम इसे शुरू करते हैं बनाने का तरीका। ये जो हमारा कटहल है इसको हम पहले तेल में डाल के फ्राई करेंगे। देखिए हमने कुकर में तेल डाल लिया है और हम अभी अपने कटहल को फ्राई करेंगे। हम ये कटहल कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको कुकर में बनाएंगे। कटहल को कर लें अच्छी तरह फ्राई, और फ्राई करने के बाद इसको आप निकाल लें। देखिए कटहल को हमने ऑयल में डाल दिया है, देखिए कटहल हमारा फ्राई हो रहा है। इसको हम गोल्डन कलर का करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि हम कटहल का कोरमा बना रहे हैं, इसलिए हम कटहल को फ्राई करके बाहर निकालेंगे और उसके बाद सारे मसाले इसमें डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। ये कटहल को फ्राई करते हुए लगभग हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसको निकाल लेंगे किसी कंटेनर में और उसके बाद दिखाएंगे आगे क्या करना है। किसी कंटेनर में निकाल लीजिए अपने कटहल को। निकाल लिया है, फ्राई कर लिया है, और अब कुकर में जो हमारा तेल बचा है उसी में हम अपने मसाले डाल के तड़काएंगे। हमें लगभग 2 बड़े चम्मच तेल का यूज़ करना है, क्योंकि हमें कटहल को फ्राई करना है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा तेल का यूज़ करेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें जीरा, हींग, सूखी मिर्च और लौंग। देखिए हमने इसमें अपना जीरा, लौंग, सूखी मिर्च और हींग डाल दी है। थोड़ा सा इसको हम 1 से 2 मिनट चलाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो हमने कट करके रखी है। प्याज अपनी हम इसमें डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद हम इसको पिंक कलर की करेंगे। हमें गोल्डन ब्राउन प्याज को नहीं करना है, पिंक करना है, तो अपनी पिंक कर लेंगे हम। प्याज को पिंक करने का हमारा एक मेन मकसद ये होता है कि हमें प्याज को पीसना नहीं पड़ता है, और जब हम किसी सब्जी को कुकर में बनाते हैं तो प्याज हमारी सीटी लगते ही एकदम मैश हो जाती है, तो वो एक अच्छा सा टेस्ट देती है। इसलिए हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बजाय पिंक ही करेंगे। देखिए प्याज हमारी लगभग पिंक हो गई है, और अब हम इसमें डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको भूनेंगे हम लगभग 2 मिनट। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा पानी डालिए, और इसको अच्छी तरह से भूनिए।
देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने इसको लगभग 2 मिनट भून लिया था। थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें ऐड किया था जिससे हमारी प्याज थोड़ी सी गल जाए। और अब हम डालेंगे सारे सूखे मसाले, जैसे धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। ये सारे सूखे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी हम लगभग 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे चलाते हुए। भून लीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए जिससे हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मसाले हमारे भुन गए हैं। हम आपको हल्दी पाउडर बनाना भूल गए थे, हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी इसमें डालेंगे जिससे हमारे कटहल का अच्छा सा कलर आएगा। तो वो हम आपको बताना भूल गए थे, इसलिए हम आपको अब बता रहे हैं। इस मसालों के साथ आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी इसमें मिक्स करिए। अब देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं, तेल हमारा आने लगा है सरफेस पे। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और भूनेंगे इसको लगभग 2 से 3 मिनट। देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है हल्दी की वजह से हमारे, और टमाटर मिक्स होंगे तो एक अच्छा सा कलर आएगा हमारी सब्ज़ी में, हमारे कटहल कोरमा में। तो अब हम डाल के टमाटर को लगभग 2 से 3 मिनट पकाएंगे जिससे हमारे टमाटर अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। देखिए कटहल कोरमे का मसाला हमारा भुन चुका है अच्छी तरह से, नाइस फ्लेवर, नाइस कलर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कटहल जो हमने फ्राई करके रखा था, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे सिर्फ 1 सीटी और फिर हम इसको दिखाएंगे आपको आगे क्या करना। देखिए कटहल हमने अपना इसमें कर दिया है मिक्स। थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग 1 चम्मच और हम इसमें लगाएंगे 1 विसल और उसके बाद करेंगे इसको डिश आउट। देखिए हमने इसमें 1 सीटी लगा ली है और कटहल हमारा भुन गया है सीटी लगते लगते, और देखिए अच्छा सा कलर आया। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट और फिर दिखाते हैं आपको। इसे 1 से 2 मिनट भून लीजिए और फिर करिए इसे डिश आउट। देखिए कटहल की सब्ज़ी, कटहल कोरमा हमारा हो गया है बनके तैयार और ये बहुत टेस्टी बना है। इसे आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बनती है और खाने में बहुत मज़ा देती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अगली ही रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।